दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं लीक से हटके वो बातें करने जा रहा हूं जिन बातों में मुझे शामिल किया जाता है और हजारों प्यार करने वाले मेरे पास वशीकरण करवाने आते हैं। वो चाहते हैं कि उनका महबूब, उनका प्रीतम, उनका प्यार हमेशा उनके पास रहे। अब ये रहे का मतलब तो यह है कि मुट्ठी में रहे, रहे का मतलब तो यह है कि उनके पास में रहे, उनके घर में रहे, उनकी मुट्ठी में रहे, उनकी आज्ञा में रहे। लेकिन प्यार करने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि प्यार किसी के बंधन का नाम नहीं होता है, आत्मा की स्वतंत्रता का नाम प्रेम होता है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम भी कमल है, कमल देव बर्मन, उनको एक लड़की से प्रेम हो गया। लड़की का नाम है नील। उस प्रेम में कुछ विचित्रताएं आने लग गई। वो विचित्रताएं क्या है जिसके कारण से प्रेम आदमी का अधूरा रह जाता है? आग दोनों में बराबर है, प्रेमी प्रेमिका में दोनों में आग बराबर है। प्रेमी भी बराबर बात करता है, प्रेमी भी प्रेमिका भी बराबर बात करती है, लेकिन तकलीफ क्या है? तकलीफ यह कि दोनों अलग अलग फील्ड के लोग हैं। बर्मन साहब जो है, मेरा मित्र जो है, वो उच्च कोटि के साधक हैं, तांत्रिक हैं। अब ये तो हिमवानों का वो जोर ऐसा ही है, हुस्न का चल गया तो चल गया, हिमवानों का बर्फ है पिघल गया तो पिघल गया। प्यार है ये तो घटना है, प्यार किया थोड़ी जाता है। आपने सुना होगा अक्सर गाना, तक प्यार किया नहीं जाता हो जाता। फिल्में वालों को भी पता है इतनी बात, ये हो क्यों जाता है? प्यार एक घटना है, जैसे एक फूल अपने आप खिल जाता है, उसे कोई खिलाया थोड़ी, इंजेक्शन दे दे के उसको कोई खिलाओगे थोड़ी। फूल जैसे अपने आप खिल जाता है, प्यार अपने आप ही घटित होता है, भीतर प्रकट होता है। जैसे परमात्मा प्रकट होते हैं, उसी तरह से प्यार प्रकट होता है। अब प्रकट होता है तो फिर जगजीत सिंह जी की गज़ल है, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, तुम कोई भी कास्ट में पैदा हो गए हो, कोई भी धर्म में पैदा हो गए हो, किसी भी उम्र के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार हो गया तो हो गया, यानी घटित हो गया भीतर तो हो गया। और अब वो घटना ऐसी हो गई कि तुम्हारे दिल दिमाग सबको अपने काबू में कर लिया। और मनुष्य के पास क्या होता है, एक सबसे बुरी चीज होती है मन, और मन को हर चीज मैग्निफाइन करके देखने की आदत होती है। समझना थोड़ा सा, मन को हर चीज मैग्नीफाइन ग्लास, जैसे हस्तरेखा देखते हैं ना, पंडित लोग जो होते हैं वो हस्तरेखा देखते हैं, तो एक कांच होता है ना उनके पास, वो मैग्नीफाइन ग्लास, उससे हस्तरेखाओं को ऐसा बड़ा कर करके देखते हैं। वो मैग्नीफाइन ग्लास हमारे भीतर है, हमारा मन जो होता है ना, वो भी हर चीज़ को बड़ा कर करके देखता है। अब प्रॉब्लम क्या आई है वो समझिए। प्रॉब्लम ये आई है कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि लड़के ने लड़की के घर वालों से बात की हो, या लड़की ने अपने घर वालों से बात की हो, या लड़की ने लड़के के घर वालों से बात की हो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बवंडर प्यार में इतना होता है, कभी तो लड़की नाराज, कभी लड़का नाराज, कभी लड़का सुसाइडल अटेम्प्ट कर, वो सुसाइडल आइडियोलॉजी फॉलो कर लेता है, तो कभी लड़की एकदम भगोड़ा बन जाती है, विद्रोही बन जाती है, उग्र बन जाती है, तो लड़ाई चलती रहती है। अब दो अलग अलग फील्ड के लोग हैं, लड़ाई तो होगी, कायदा बनता है वो तो। लेकिन बात यह नहीं है कि लड़ाई के बाद में भी जो प्यार होता है, उस प्यार में कहाँ जाकर के गाड़ी अड़ती है। अक्सर जो मेरे पास वशीकरण के लिए लोग आते हैं, उनको कुछ बातें हैं जो समझ लेनी चाहिए, उनका जीवन बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक तो क्या है कि उन्होंने कुछ शेर लिखे हैं, एक शेर मुझे भेजा है, मैंने भी वापस भेजा है। वो प्यार में इतने उत्तेजित हैं कि वो हर चीज़ को मैग्नीफाइन करके देखते हैं। लड़की भी इतनी उत्तेजित है कि मैग्नीफाइन करके देखती है। एक दिन लड़की उनको कहती है कि आपके लिए मैं अपने पूरे परिवार से भिड़ जाऊंगी, पूरे समाज से भिड़ जाऊंगी, पूरी दुनिया से भिड़ जाऊंगी। अरे मैंने कहा जरूरत क्या है यार, इस डायलॉग को मारने की जरूरत क्या है, इस फिल्म में इस डायलॉग के चलने की आवश्यकता ही नहीं है, इससे तो ऑडियंस वापस चली जाएगी, क्यों इस डायलॉग को बोलते हो, मैं प्यार में आग लगा दूंगा, दुनिया ने क्या बिगाड़ा है भाई, दुनिया को क्यों आग लगाते हो, अपने चूल्हे में आग लगाओ, रोटी सेक के खाओगे, चाय बना के पियोगे मस्त, दुनिया ने क्या बिगाड़ा है। मैग्नीफाइन करने की आदत है ना,
मैं पूरी दुनिया से भिड़ जाऊंगी, अपने परिवार वालों से भिड़ जाऊंगी, फाइट कर लूंगी। क्यों कर लोगी फाइट? तुमने पहले ही अपने जीवन को इतना कलिष्ट बना लिया है, तुम्हारे मन ने इतना मैग्नीफाइन कर लिया कि छोटे से काम नहीं हो सकता, काम बड़ा करना पड़ेगा। मेरे पास लोग आते हैं साधना करने के लिए, वो कहते हैं महाराज कोई खतरनाक साधना दी। खतरनाक क्या होती है साधना? क्या खतरनाक? जब तक तुम्हारे भीतर खतरनाक है तब तक साधना खतरनाक है। जिस दिन तुम्हारे भीतर सरलता पैदा होगी साधना सरल होगी। शक्तियाँ कभी खतरनाक होती है? तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए खतरनाक है? तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे लिए खतरनाक है? नहीं, कठिन नहीं होते, हार्ड नहीं होते, हम उनको हार्ड बना लेते हैं। अपने अवचेतन मन में ऐसे विचार ठूंस ठूंस के कि हम उनको हार्ड बना लेते हैं। लड़का क्या सोचता है? कमल देव बर्मन, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं, उन्होंने एक शेर लिखा मेरे को भेजा, बोला कमल जी भाई बात ऐसी है, अगर वो लड़की मेरे को नहीं मिली तो मैं जान दे दूंगा। मैंने कहा जान तो देनी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले आपने पहले ही सोच लिया मैं जान दे दूंगा। अब प्रकृति पूरी प्रकृति जान लेने की व्यवस्था कर लेगी, और जिस समय जान देने की बात आएगी उस समय नानी याद आ जाएगी। आप ऐसा सोचते क्यों हो यार? जब आप किसी से प्रेम करते हो, अच्छी बात है प्रेम प्रकट होना, प्रेम मनुष्य के प्रति हो सकता है, फूलों के प्रति हो सकता है, जानवरों के प्रति हो सकता है, इंसानियत के प्रति हो सकता है, परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो सकता है। परमात्मा की दुनिया में तो प्रेम चलता ही है। जब आप जाओगे परमात्मा की दुनिया में तो वो कहेगा कि किसी से प्यार किए, आप कहोगे हे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वो कहेगा रुक बेटा पहले किसी से इंसान से प्यार किया है क्या? बोले हाँ नहीं नहीं, हम एस्कॉन टेम्पल में पढ़ने वाले हम इंसानों से प्यार नहीं करते, हम फिल्में नहीं देखते। तो वो कहेगा कि बेटा जब तूने इंसान से प्यार करना नहीं सीखा तो मुझसे क्या खाक प्यार करेगा, जा पहले इंसान से प्यार करना सीख गया। जब प्यार इतना सरल है, प्रेम इतनी सरल भाषा है, उसको काय को इतना कलिष्ट बनाते हो। तो वो लिखते हैं, मुझे बताते हैं कि कमल जी मैं जान तक दे सकता हूँ। मैंने कहा जान तक दे सकते हो तो जान लेना भी पड़ेगा प्रकृति को, जो आप सोचते हो प्रकृति तथास्तु कह देती है, और लड़की नील जो सोचती है वही प्रकृति सही कर देगी। फाइट करना पड़ेगा उसको घर वालों से, तो सोचते क्यों? जब कोई चीज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है आपके सोचने मात्र से, तो आपकी कल्पना में यह क्यों आता है कि मैं इस चीज को इतना दुर्गम रास्तों से प्राप्त करूंगा? साधना करने वाले लोग दुर्गम रास्ते अपनाते हैं, कहते हैं कि कठोर से कठोर साधना करने के लिए तैयार हूं, मुझे शक्ति चाहिए, प्रत्यक्षीकरण चाहिए। कठोर से कठोर क्यों? सरल से सरल में भी तो प्रत्यक्षीकरण होता है। मैंने तो एकदम सरलता से प्रत्यक्षीकरण किया, मैंने अपने जीवन में अप्सरा को देखा, एकदम सरलता से देखा। मेरे गुरु का आशीर्वाद था, उन्होंने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ गया। उन्होंने कहा जाप करो, मैंने कहा जाप, मैंने जाप करना शुरू कर दिया। देवी आ गई, उनके दर्शन होंगे एकदम सरलता से। मुझे तो लगा ही नहीं कहीं कोई कठिन है क्या। 6 महीने तक एक यक्षिणी मेरे साथ रही, माता बन करके रही, मुझे अपना बेटा बन करके प्यार करती रही, और आज भी उनकी तरंगे कई बार मैंने विसर्जन कर दिया, लेकिन विसर्जन के बाद भी, विसर्जन तो मैंने शक्ति का किया, प्यार का तो विसर्जन मैं कर नहीं सकता। तो उन्होंने जो मुझसे प्यार किया और मैंने जो उनसे प्यार किया, उस प्यार का विसर्जन तो हो नहीं सकता, तो उनकी तरंगे आज भी मुझे महसूस होती, एकदम सरलता से प्राप्त कर लिया। जो साधना के अंदर डिफिकल्टीज आती है वो अलग चीज़ है, उसके लिए मैं पहले से क्यों सोचूं कि कठोर साधना कर लूंगा? क्यों मैं सोचता हूँ कि कठोर साधना कर लूँगा? जीवन जब इतना सरल है, सरलता का दूसरा नाम जीवन है, तो जीवन को आपने ही कलिष्ट बना दिया है। और जब जीवन आप खुद कलिष्ट बना देते हैं तो जिम्मेदार कौन दूसरा होता है? अब देखिए, मैंने इस पर एक शेर लिखा, उनको वापस दिया ना, उन्होंने जो मुझे गिफ्ट दिया उसके बदले में मैंने गिफ्ट दिया, शेर लिखा, उन्होंने लिखा है कि हाथ काटो पैर काटो या कि काटो सिर। बोला मेरे अगर ऐसी भी नौबत आ गई ना, उसके घर वालों ने ये कर दिया ना, वो कर दिया ना, पुलिस में मुझे दे दिया, कहीं दे दिया, तो मैं पुलिस वालों से ये कहूँगा मेरे हाथ काट लो, मेरे पैर काट लो, मेरा सिर काट लो। हाथ काटो पैर काटो या कि काटो सिर, दिल से कैसे काटोगे दिलबर की तस्वीर। मैं ऐसा कह दूंगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा कह देंगे। अब सुनिए, अब मेरा शेर सुनिए, मैं भी थोड़ा बहुत शेर व शायरी जानता हूँ भगवान की कृपा से। सुनिए, मैंने लिखा कि पहले और थे साधक थे पंडित थे अब दूसरे किरदार हो तुम अपनी इस हालत के खुद ही जिम्मेदार हो। अब देखिए, यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो अगली बात मैं और कहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से वही सुनेगा जो प्यार करने वाला है। जो प्यार करेगा वही गाना गाएगा, जो प्यार नहीं करेगा वो गाना किस लिए गाएगा। तो इस वीडियो में बना रहना भी, सुनो, प्यार और व्यवस्था को थोड़ा समझ लो।
मेरे पास जो वशीकरण के लोग आते हैं ना, वो व्यवस्था के वशीभूत होकर के आते हैं, प्यार के वशीभूत होकर के नहीं आते। उनको वही लड़की चाहिए, क्योंकि इतने दिन हो गए, घुल गए, मिल गए, तो प्यार तो थोड़ा सा तो है ही, लेकिन ये प्यार नहीं है, ये प्यार की सुवास है, गंध है। कैसे है सुवास, गंध? आप फूलों के किसी बगीचे में से निकलते हो फूलों को छूते हुए, तो बगीचा तो गया आपके हाथ से, लेकिन अभी भी आपके हाथों में थोड़ी सी बगीचे की फूलों की खुशबू रह जाती है। तो फूलों की खुशबू है, आप जब प्रेम में व्यवस्था करने लगते हो ना कि ऐसे एडजस्टमेंट कर लेंगे, कि ऐसे कर लेंगे, कि लड़की अब चली गई है, कि लड़की नाराज हो गई है, उसको हम वापस ले आएंगे, वापस ऐसे नहीं आएगी तो हम वशीकरण से ले आएंगे, तंत्र मंत्र से ले आएंगे, टोने टोटको से ले आएंगे, ब्लैक मैजिक से ले आएंगे। तो वो जो ब्लैक मैजिक, टोने टोटके, वशीकरण, तंत्र मंत्र है ना, वो उसको लाने की व्यवस्था है। और प्रेम में जब व्यवस्था हो जाती है तो अवस्था खराब हो जाती है। कैसे खराब हो जाती है, ध्यान से सुनिए। एक तो अवस्था ये खराब हो जाती है कि जिसको आपने वश में किया वो पागल हो जाएगा, जिसको आपने वश में किया, आपने जिसको वश में किया वो आदमी अब नहीं रहेगा। आपने जिसको वश में किया अब 2400 घंटे आप ही आप उसके दिमाग में रहोगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। और ज़्यादा केयर भी हानिकारक होती है। जब कोई ज़्यादा आपको आप प्रेम ही प्रेम करने लग जाए, अत्यधिक प्रेम करने लग जाए, 2400 घंटे आपको ही ध्यान करने लग जाए, 2400 घंटे आपको कोई प्रणाम ही प्रणाम करता रहे, आप थोड़ी देर में तंग आ जाओगे उससे। और जो वशीकरण के द्वारा प्रेम पैदा करते हो, उस प्रेम से आप थोड़ी देर में तंग आ जाओगे, आओगे ही, क्योंकि उसे कुछ दूसरा सूझता है न तो दूध लेना सूझता है, न चाय बनाना सूझता है, न खाना बनाना सूझता है, उसे तो बस एक एक सूझता है, मेरा दिलबर, मेरा प्रीतम, मेरा आशिक, मेरा बाबू, मेरा सोनू, पता नहीं क्या कैसे कहते हैं ना, वो डायलॉग मारते हैं, वो सब सूझेगा, वो लड़की पागल हो जाएगी कुछ दिनों में। जब तक उसके वशीकरण का निष्कासन नहीं किया जाएगा वो लड़की पागल हो जाएगी। और आपने क्या चाहा था? आपने ये थोड़ी चाहा था, आपने चाहा था कि वो लड़की आए थोड़ी सी मेरी भी केयर करे। अब पूरी की पूरी आपकी केयर करेगी तो थोड़े थोड़े दिनों में आप भी पागल हो जाओगे, क्योंकि आप उसको छोड़ तो सकते नहीं, उसका क्या करोगे? और छोड़ोगे तो फिर प्यार, वो प्यार कहाँ जाएगा? आपने तो उसके साथ अन्याय किया, आपने तो परमात्मा का दिल दुखा दिया, कहाँ जाएगा वो प्यार? तो व्यवस्था में आप जब प्रेम में व्यवस्था करते हो तो व्यवस्था में अवस्था खराब होना ही होना, इसमें कोई दो राय नहीं, व्यवस्था में अवस्था खराब हो जाए। वशीकरण सिर्फ कुछ ऐसे वशीकरण हैं जिनसे सुंदर सा प्रयोग किया जाता है, और सुंदर से प्रयोग से उनके दिल में खाली आपके प्रति भाव पैदा किए जाते हैं। थोड़े से भाव, आपके भावों की उत्तेजना आपके प्रति हो, आपके पास आ जाए, आपका घर बस जाए, ये व्यवस्था है। इसे प्यार का नाम मत दे देना, ये व्यवस्था है। प्यार थोड़ा सा है, व्यवस्था में भी प्यार होता है। आप एक रोबोटिक व्यवस्था नहीं करके एक भावनात्मक व्यवस्था भी कर सकते हो, तो प्यार होता है व्यवस्थाओं में। तो इस प्रकार से आपका प्यार व्यवस्था हो सकता है, लेकिन जो व्यवस्था हो सकता है वो पूर्ण प्यार नहीं, और पूर्ण प्यार जो है वो कभी पूर्ण होता नहीं, क्योंकि प्यार तो परमात्मा का रूप है, प्यार प्रभु का रूप है, प्यार ईश्वर का रूप है, और ईश्वर कभी पूर्ण नहीं होता, ईश्वर कभी पूर्ण मिलता ही नहीं। किसी को ईश्वर आज तक पूर्ण नहीं मिलता, सवाल ही नहीं है। आप ईश्वर का भोग कर सकते हो, आप ईश्वर का भोग कर सकते हो, ईश्वर के अंदर उतर सकते हो, ईश्वर के अंदर रो सकते हो, परमात्मा के अंदर रो सकते हो, परमात्मा के अंदर आप भाव विहल हो सकते हो, परमात्मा के भक्त हो सकते हो, लेकिन पूर्ण परमात्मा को कोई नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए आपका भी पूर्ण होना जरूरी है, और आप और परमात्मा दो पूर्ण कभी नहीं रहते, एक ही पूर्ण रहता है। या तो आप पूर्ण हो जाओ तो परमात्मा बन गए, या परमात्मा में डूब जाओ तो परमात्मा आप पूर्ण हो गए। आपको परमात्मा में डूबना ही पड़ेगा, और जिस दिन आप परमात्मा में डूब गए तो जिसे आप प्यार का नाम दे रहे थे वो प्यार अधूरा रह गया। प्यार हमेशा ही अधूरा रहता है, रह नहीं है प्यार को अधूरा, क्योंकि अधूरे का नाम ही प्यार है। उसका तो शुरू प्यार में देखो ढाई अक्षर होते हैं, तीन अक्षर नहीं होते। ढाई अक्षर का मतलब होता है कि आखिरी अक्षर अधूरा है, और वो साबित करता है कि प्रेम अधूरा रहेगा। और प्रेम अधूरा रहेगा तो ये जो प्रेम है ना, प्रेम करने का साहस है ना, ये मामूली आदमियों का काम नहीं है, ये तो उन लोगों का काम है जिन्होंने अपना सर अपनी हथेली पर रख दिया है। गोपियां क्या कहती है? गोपियां कहती है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिस्टम जमाने वालों के बंदगी प्रेम बस की चीज नहीं होती। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो ये कहानी है भाई, प्यार करने निकले हो तो प्यार को कुंद मत करो, रोको मत, क्योंकि तुम्हारा प्यार जो इंसान के प्रति तुमने किया है वही प्यार परमात्मा के प्रति बनेगा।
आपने एक बात देखी होगी, हमारी जो लाइन होती है साधु संतों की लाइन होती है या भक्तों की लाइन होती है, इस लाइन में क्या होता है, इस लाइन में जिसने लड़की से प्यार किया वो परमात्मा तक पहुंच गया। तुलसीदास स्त्री से प्यार किया, पत्नी से प्यार किया, परमात्मा तक पहुंच गया। और जो परमात्मा तक पहुंचने की बातें करते करते गलती से स्त्री से प्यार कर बैठा, तो परमात्मा जहां पैदा हुए वहां पहुंच गया। कहां पैदा हुए? कंस की जेल में पैदा हुए ना, कन्हैया जेल में पैदा हुए, वहां पहुंच गए। अब आप जान लो कौन कौन पहुंच गए, कौन कौन कहां पहुंच गए, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो साधु, जो सन्यासी परमात्मा की बातें करने वाला है, परमात्मा को याद करने वाला है, परमात्मा से प्रेम करने वाला है, वो यदि सांसारिक पंचभौतिक शरीर स्त्री से, स्त्री के मोह में फंस करके बैठ गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। जेल इसलिए जाना पड़ेगा कि प्रकृति बताती है कि तू जेल में है बेटा, तुझे जेल में से निकलने के लिए ही तो परमात्मा के पास मैंने भेजा, और अब तू खुद समझ कि तू कहाँ है, तू जेल में। ये जेल नहीं, ईंट पत्थरों की जेल नहीं, तुम एक पिंजर में कैद हो, तुम एक माया जाल में कैद हो, तुम एक संसार के इल्यूजन में कैद हो, और उस इल्यूजन से निकल करके मायापति के पास जाना है। मायापति सेवक सन माया, तो मायापति के पास जाना, तुम माया में उलझ गए, तुम चक्रव्यूह में उलझ गए, तो एक बार जेल में जाकर के ये देख लो बेटा कि तुम जेल में ही हो। और मैं तुम्हें जेल से मुक्त करना चाहती थी, परमात्मा के पास भेजना चाहती थी, लेकिन तुम फिर इसी माया जाल में आ रहे हो, तो अब फिर से समझ लो कि तुम कहाँ हो। तो हमारी लाइन में होता है, हमारी लाइन में जो आदमी परमात्मा की बातें करते करते गया ना, वो गया फिर अंदर गया, उसके बाहर आने का फिर कोई चांस नहीं, और आ भी गया तो फिर उसका कुछ नहीं, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। तो बात यह है कि मैं यह समझाना चाह रहा था, वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं समझाना चाह रहा था कि प्यार, व्यवस्था, वशीकरण, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, प्रेम जो होता है, आप अगर व्यवस्था भी बना रहे हो तो प्रेम को मैग्नीफाइन करके, ये अपनी व्यवस्था को मैग्नीफाइन करके मत देखो, एकदम सरलता से लो। आप वशीकरण करवाते हो मुझसे, मेरे पास आते हो वशीकरण करवाने के लिए, मैं आपको तंत्र मंत्र बताता हूँ, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो पेट भरना है, करना ही पड़ेगा, मेरे पास उपाय क्या है। लेकिन एक इंसानियत है, वो सच में बताती है आपको, परमात्मा का दूत हूँ, परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है, तो ये बात बताना भी मेरा धर्म है कि जिससे प्यार करो उससे कभी भी उस पर कभी भी कोई तांत्रिक क्रियाएं मत करवाना, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं आप प्यार तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा यदि आप प्यार को प्राप्त करना चाहते हो उससे तो बढ़िया परमात्मा को कहो, ईश्वर को कहो, ईश्वर प्यार का ही रूप है। आप उसको क्यों नहीं कहते कि हे प्रभु मुझे वो लड़की दे दे, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा उसमें आपका चेहरा देखूंगा, थोड़ा वादा तो करो। धन्यवाद तो तुमने परमात्मा का कभी नहीं दिया है, मंदिर बने इसलिए धन्यवाद देने के लिए तुम जाते हो मांगने के लिए, बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। मंदिर बने धन्यवाद के लिए, तुम जाओ परमात्मा का धन्यवाद दो, हवा दी, पानी दिया, सांस दिया, जीवन दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिया, संसार दिया, या कितना प्रेम है प्रभु, कितना प्रेम है, आपने मुझे क्या क्या दिया, मैं कितनी बार आपका शुक्रिया अदा करूं, कितनी बार आपका धन्यवाद अदा करूं, आपकी इस महानता के सामने मेरा जिस्म, मेरा रोआ रोआ आज आपके सामने बिछ जाता है। उसे कहते दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम का मतलब कुल इतना होता है कि हे प्रभु तूने जो दिया है मुझे उसके लिए मैं इतना कृत्य करते हूं कि मेरा पूरा शरीर, मेरी पूरी कायनात भी अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो छोटी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाके प्रभु मुझे नौकरी लगा दो, प्रभु मुझे बीवी दे दो, प्रभु मुझे ये कर दो, प्रभु मुझे वो कर दो, हमेशा आदत हमारी यही, हम जाएगी नहीं। वो कहते हैं ना कि कुछ भिखारी ऐसे होते जो मंदिर के अंदर मांगते हैं, कुछ भिखारी ऐसे होते जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। हम भिखारियों की दुनिया में आ गए, हम प्रेमियों की दुनिया में नहीं गए। एक बार जो प्रभु से प्रेम पैदा कर ले अपने जीवन में, उसे मांगना मांगना सोचता ही नहीं, कौन मांगेगा, किससे मांगेगा, मैं ही मुझको क्या दूं, परमात्मा मेरे भीतर निवास करता है तो मैं बाहर क्या मांगता फिर। प्रेम एक सरल चीज़ है, उसको एकदम सरलता से लीजिए। जीवन एक सरल चीज़ है, उसको सरलता से लीजिए। किसी भी मोड़ पर उसको कठिन मत बनने दीजिए। जिस मोड़ पर भी आपके मन ने उसको मैग्नीफाइन करके देखना शुरू कर दिया, उसी मोड़ पर आपका जीवन एकदम कठिन बन गया, दुरूह बन गया, और इतनी मुश्किलें आपके जीवन में पैदा हो गई कि फिर तंत्र मंत्र यंत्र टोने टोटके ब्लैक मैजिक आदि का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों ये बात मेरे दिल में थी, मुझे लगा कि आपको कहनी चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने ये बात कहने के लिए आ गया हूँ। हो सकता है कि वो क्या है, वो अमिताभ बच्चन का गाना है ना, यम्मा 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 यम्मा, आगे क्या है वो, ये जिंदगी क्या ऐसा कुछ है, कल हम कहाँ तुम कहाँ, तो कल हम कहाँ तुम कहाँ कोई पता नहीं है, इसलिए मैं आज ये बात कह करके नक्की कर देता हूँ कि मेरी परवाह मत करना, मैं कल कहाँ रहूँ,
आप कल कहाँ रहो, लेकिन जो बात मेरे दिल में थी वो मैंने कह दी। रिटेंशन तो इस पे आने वाला नहीं, इस पे इस वीडियो को देखने वाले तो वही रहेंगे जिनके दिल में प्यार है, जिनके दिल में प्यार नहीं वो फटाफट देखेंगे, थोड़ा सा आगे कर देंगे काम खत्म, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे अपने दिल की बात कहनी थी, कह दी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।